हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए लेके आया द ब्रीफ मूवी के सन उन्नीस सौ तिरानवे की एक अमेरिकी कानूनी थ्रिलर फिल्म है जो जॉन ग्रीशम के सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर आधारित है एलन जी पाकुला द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून छात्र डार्बी शो की भूमिका है जो डेंजियल वाशिंगटन वाशिंगटन हेरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुल्ला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एलन जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एलन जे पाकुला है आधारित थी जोन ग्रीशम द पोलिकन ब्रिफ सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एलन जे पाकुला पीटर जॉन बुगरे और ब्रैंडी गिलक्रिस्टन ने फिल्म के अभिनेत्री जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन से टेनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स एथरटन, रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टुकी, हॉंग क्रोनिन और जॉन छायांकन था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल फॉर टूडी जहा द्वारा संगीत है जेम्स होनर द्वारा वितरित किया गया वर्नर नंबर पिक्चर द्वारा इसको रिलीज किया गया था रिलीज की तारीख सत्रह दिसंबर सन उन्नीस सौ में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम एक मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट पैंतालीस मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर का, काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों जेनसो और रोबेन्सबर्ग की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलर्क है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वैरिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक वैरहिक के पास पहुंचती है खुद को बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्राथाम्स से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है। डार्बी से ए भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा, फाल्वे उसके घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वे वैरहिक वे के संपर्क करती है उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन खमेल ही को मार देता है और बैठक में उसका रूप धारण कर लेता है इससे पहले कि खमेल डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहां वह अपने संक्षेप में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है हत्याए तेल व्यवसायी विक्टर मेटिस के लिए की गई थी जो लुशिया लुशियाना मार्सलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का एक दोहन करने का इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पैलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डार्बी अनुमान डार्बी अनुमान लगाया कि मैटिस मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों न्यायाधीशों की राय अलग लगती राष्ट्रपति के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के की नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है जो वाइट वाशिंगटन डीसी लाफोर में तेल और गैस डिवीजन में वकील है डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित थी वह और ग्रंथम उसकी विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार बम में मध्य से मौत से बमुश्किल बमु, बमु, बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दस्तावेजों और एक वीडियो टैब की समीक्षा करते हैं और टैब डार्बी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्षा के साथ ग्रांथम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निदेशक वॉलेस ने पुष्टि की कि डार्बी एक ब्रीफ, ब्रीफ व्हाइट वा, हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफ को पीछे हटने का आदेश दिया और सी आई मैटिस की जाँच कर रही है उसने उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफ ने डार्बी के लिए जिस जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षक कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दो सीट ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डार काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में देखा गया कि डार्बी शो रूप के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो ग्रंथम के रूप में डेंजेल वाशिंगटन ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के रूप में सेम सेपर्ड ने किरदार निभाया जोन हार्ट गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफ निर्देशक डेटन वर्ल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किरदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जोन फिन ने किदान निभाया किया राष्ट्रपति के रूप में रॉबर्ट क्लब ने किरदार निभाया और खमेल स्टेनली जस्टिस रोसेनबर्ग के रूप में क्रोनिंग ने किदान निभायान के रूप में जॉन लिथंगो ने किरदार निभाया और मार्टी वेल मानो के रूप में एंथोली हिल्ड ने किरदार निभाया स्टंप के रूप में निकोलस वुडसन ने किरदार निभाया और एलिस स्कॉट के रूप में सिंथिया निक, निक्सन ने किरदार निभाया कार्टेन मॉर्गन गार्सिया के रूप में जेक वेबर ने किरदार निभाया और जस्टिन जैनसेन के रूप में राल्फ कॉमस ने किरदार निभाया एरिक स्टन के रूप में कैसी बिगस ने किरदार निभाया और एडविन स्नेलर के रूप में स्टेनली एडरसन ने किरदार निभाया के रूप में क्रिस्टोफर किरदार निभाया और एडविन न्यूमैन स्वयं के रूप में नजर आए स्वागत में देखा गया कि बॉक्स ऑफिस पर पोलिगन ब्रिफ ने अमेरिका कनाडा में सौ पॉइंट एट मिलियन डॉलर अन्य क्षेत्र में चौरानवे पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर एक सौ पचानवे प्वाइंट थ्री मिलियन जबकि इसका उत्पादन का बजट फोर्टी फाइव मिलियन का था अहमियत भरा जवाब में देखा गया कि यह फिल्म रोटेड टमाटोज पर फिल्म को चौवन समीक्षाओं के आधार पर चौवन परसेंट की साइट की सर्वसंपत्ति ने कहा है कि जूलिया रॉबर्टसन और डेंजोल वाशिंगटन लम्बी पेलिकन में एक सम्मोहक टीम है जो एक गु, एक गुड थ्रिलर है जो एलन जो पाकुल के निर्देशन को बौद्धिक निष्कासन को उचित रह, नहीं कर मेटा क्रेटी पर पंद्रह आलोचकों पर आधारित आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का भारी असंत स्कोर मिला जो फिस्रेटिया औसत समीक्षा दर्शाता सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण और निर्देशकों को फिल्म को ए प्लस ए के पाप पर बी प्लस बी का औसत ग्रेड दिया गया पाकुला इन जटिल धागों की बुनी हुई उन्हें समझ लगाने और उल्लेखने काम करता है हालांकि इसके काफी सस्पेंस हालांकि क्योंकि डार्बी डार और ग्रे उसके पीछे करने वालों के बस निकलते हो लेकिन उसे चला रहा है और उस पर नजर रखने की दर्शकों की क्षमता का सामना करते हुए निर्देशक व्यापक सस्ती चालों से बचता है और इसके अलावा बी एफ अपेक्षाकृत गोरबुक थ्रिलर जिसमें अधिकांश हिंसा प्रभावित ढंग से अपस्क्रीन व्यक्त की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने अपनी समीक्षा में लिखा है और पोलिकन ब्रिफ को तरल भूमि आंखों में और गंभीर सतारा गुणवत्ता और उत्सव के रूप में देखा जाता है इसकी प्रमुख भूमिकाओं ने लेकिन वे दोनों फिल्म के को चमकाने के लिए बहुत अच्छा काम करते थे सन उन्नीस सौ तिरानवे की एक अमेरिकी कानूनी थ्रिलर फिल्म है जो जॉन ग्रीशम के सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर आधारित है एलन जी पाकुला द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून छात्र डार्बी शो की भूमिका है जो डैनजियल वाशिंगटन वाशिंगटन हेरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग, ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एल जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एरन जे पाकुला है आधारित थी जॉन ग्रीशम द पोलिन द पोलिकन ब्रीफ सौ बानवे के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एलन जे पाकुला पीटर जॉन बुगरे और ब्रैंड डी गिलक्रिस्टन ने फिल्म के अभिनेत्री जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन सेम सेट्स जॉन हार्ड्स और टैनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स ए एथर्टन रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टूकी हॉंग क्रोनिन और जॉन थींगो छायांकन था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल टूडी जहाज द्वारा संगीत है जेम्स होनर द्वारा सन उन्नीस सौ तिरानवे में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम 141 मिनट का देश अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट 45 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों और न्यायाधीशोंग रोबे, की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलर है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वेरहिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक हिक के पास पहुंचती है खुद को बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्राथाम्स से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है डार्बी ग्रांथम से ए भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा, फाल्वे उसके घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वैर हिक के संपर्क करती है और उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन सह खमेल वैर हिक को मार देता है और बैठक में उसका रूप धारण कर लेता है इससे पहले कि खमेल डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहाँ वह अपने संक्षेप में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है हत्याई तेल व्यवसायी विक्टर मैटिस की गई थी जो लुशियाना लुश्या, मार्सलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का का एक दोहन करने इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पैलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डारबी ने अनुमान डारबी ने अनुमान लगाया कि मेटिस मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों न्यायाधीशों की राय अलग लगती राष्ट्रपति के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के की नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है जो वाइट ए ब्लेजेविच की वाशिंगटन डीसी लाफोर में तेल और गैस डिवीजन में वकील है डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आप जीती, आपा आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित थी वह और ग्रंथम उसकी विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार बम में मध्य से मौत से बमुश्किल बमु, बमु, बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दरवाजे दस्तावेजों और एक वीडियो टैब की समीक्षा करते हैं और टैब डार्बी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्ष्य के साथ ग्रंथम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निदेशक पुष्टि की कि डार्बी एक ब्रीफ, ब्रीफ व्हाइट हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफ को पीछे हटने का आदेश दिया और की कर रही है। उसने उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफ ने डार्बी के लिए जिस, जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षक कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दोषी ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डार काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में देखा गया कि डार्बी शो के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो ग्रंथम के रूप में डेंजेल वाशिंगटन ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के रूप में सेम सेपर्ड ने किरदार निभाया जोन हार्ट गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफ निर्देशक डेटन वर्ल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जोन फिन ने किदान निभाया किया राष्ट्रपति के रूप में रॉबर्ट्स क्लब ने किदान निभाया और खमेल के रूप में स्टेनली टी ने निभाया और जस्टिस रोसेनबर्ग के रूप में हुआंग क्रोकिन क्रोनिंग ने किदान निभाया स्मिथ क्रीन के रूप में जॉन लिथंगो ने किदान निभाया और मार्टी वेल मानो के रूप में एंथोली हिल्ड ने किरदार निभाया स्टंप के रूप में निकोलस वुडसन ने किरदार निभाया और एलिस स्कॉट के रूप में सिंथिया निक्सन ने किरदार निभाया कार्टेन मॉर्गन गार्सिया के रूप में जेक वेबर ने किरदार निभाया और जस्टिन जेनसेन के रूप में राल्फ कोम्स ने किरदार निभाया एरिक ईस्टन के रूप में कैथी बिगस ने किरदार निभाया और एडविन स्नेलर के रूप में स्टेनली एडरसन ने किरदार निभाया और में रूप में स्वागत में पोलिगन अमेरिका कनाडा में सौ पॉइंट एट मिलियन डॉलर अन्य क्षेत्र में चौरानवे पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर एक सौ पचानवे पॉइंट थ्री मिलियन जबकि इसका उत्पादन का बजट फोर्टी फाइव मिलियन का था अहमियत भरा जवाब में देखा गया कि यह फिल्म रोटेड टमाटोज पर फिल्म को चौवन समीक्षाओं के आधार पर चौवन परसेंट की अनुमोदन रेटिंग मिली जिसकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट फाइव ओब्लिक टैन थी साइट की सर्वसंपत्ति ने कहा है कि जूलिया रॉबर्टसन और डेंजोल वाशिंगटन लॉम्बी पेलिकन ब्रिस्क में एक समूह टीम है जो एक गुड एक, गु, एक, थ्रिलर है जो एलन जो पाकुल के निर्देशन को बौद्धिक निष्कासन को उचित रह, नहीं कर मेटा क्रेटी पर पंद्रह आलोचकों पर आधारित आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का भारी औसत स्कोर मिला जो फिस्रेटिया औसत समीक्षा दर्शाता सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण और निर्देशकों को फिल्म को ए प्लस ए के पाने पर बी प्लस बी का औसत ग्रेड दिया गया पाकुला इन जटिल धागों की बुनी हुई उन्हें समझ उलझाने और उलिखने काम करता है हालांकि इसके काफी सस्पेंस हाल है क्योंकि डार्बी और ग्रे उसके पीछे करने वालों के बस निकलते हो लेकिन उसे चला रहा है और उस पर नजर रखने की दर्शकों की क्षमता का सामना करते हुए निर्देशक व्यापक सस्ती चालों से बचता है और इसके अलावा बी एफ अपेक्षाकृत गोरबुक थ्रिलर जिसमें अधिकांश हिंसा प्रभावित ढंग से अपस्क्रीन व्यक्त की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने अपनी समीक्षा में लिखा है और पोलिकन ब्रिफ को तरल भूमि आंखों में और गंभीर सतारा गुणवत्ता और उत्सव के रूप में देखा जाता है इसकी प्रमुख ने और डेंजल और कास्टिंग के लिए धन्यवाद और इस लेकिन वे दोनों फिल्म के को चमकाने के लिए बहुत अच्छा काम करते थे सन उन्नीस सौ तिरानवे की एक अमेरिकी कानूनी थ्रिलर फिल्म है जो जॉन ग्रीशम के सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर आधारित है एलन जी पाकुला द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून छात्र डार्बी शो की भूमिका है जो डेंजियल वाशिंगटन वाशिंगटन हेरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग, ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एलन जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एलन जे पाकुला है आधारित थी जॉन ग्रीशम द्रीफ सन उन्नीस सौ के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एल एन जे पाकुला पीटर जॉन बुगरे और ब्रायन डी गिलक्रिस्टन ने फिल्म के अभिनेत्री जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन सेम सेट्स जॉन हार्ड्स और टैनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स ए एथरटन रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टुकी हॉंग क्रोनिन और जॉन थींगो छायांकन था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल फॉर टोडी जहा द्वारा संगीत है जेम्स होनर द्वारा द्वारा वितरित किया किया गया गया पिक्चर इसको रिलीज था। रिलीज था की तारीख सत्रह दिसंबर सन उन्नीस सौ में, में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम 141 मिनट का देश है उतराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट 45 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों जेन्स और रोबे रोबेंस की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्होंने उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलर्क है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वेरहिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक के पास पहुंचती है खुद को बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्रांथम से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है डार्बी से ए भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा, फाल्वे उसके घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वे वैरहिक के संपर्क करती है और उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन सह खमेल वैरहिक को मार देता है और बैठक में उसका रूप धारण कर लेता है इससे पहले कि खमेल डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहां वह अपने संक्षेप में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है हत्याएं तेल वैसे विक्टर मेटिस के लिए की गई थी जो लुसिया लुइसियाना मार्शलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का एक दोहन करने का इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पैलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डारमिनी अनुमान डारबिनी अनुमान लगाया कि मेटिस मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों न्यायाधीशों की राय अलग लगती राष्ट्रपति के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है जो वाइट ए ब्लेजेविच की वाशिंगटन डीसी लाफोर में तेल और गैस डिवीजन में वकील है डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आप आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित थी वह और ग्रंथम उसकी विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार बम में मध्य से मौत से बमुश्किल बमु, बमु, बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दस्तावेजों और एक वीडियो टैब की समीक्षा करते हैं और टैब डारबी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज स्थापित करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्षा के साथ ग्रांथम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निदेशक वॉयलेस ने पुष्टि की डारबी एक पोलिकन ब्रीफ ब्रीफ व्हाइट हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफ को पीछे हटने का आदेश दिया और सी आई मैटिस की जांच कर रही है उसने उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफबीआई ने डार्बी के लिए जिस, जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षण कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दोषी ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डार्बी काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में देखा गया कि डार्बी शो रूप के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो ग्रंथम के रूप में डेंजियल वाशिंगटन ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के रूप में सेम सेपर्ड ने किरदार निभाया जोन हार्ड गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफ निर्देशक डेटन वेल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किरदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जोन फिन ने किरदार निभाया राष्ट्रपति के, के रूप में रॉबर्ट्स क्लब ने किरदार निभाया और खमेल के रूप में स्टेनली ने किरदार निभाया और ज, जस्टिस रोसेनबर्ग के रूप में हुआंग क्रोकिन क्रोनिंग ने किरदार निभाया स्मिथ ग्रीन के रूप में जॉन लिथंगो ने किरदार निभाया और मार्टी वेल मानो के रूप में एंथोली हिल्ड ने किरदार निभाया स्टंप के रूप में निकोलस वुडसन ने किरदार निभाया और एलिस स्कॉट के रूप में सिंथिया निकसन ने किरदार निभाया कारटन मॉर्गन गार्सिया के रूप में जेक वेबर ने किरदार निभाया और जस्टिन जेनसेन के रूप में राल्फ कोमस ने किरदार निभाया एरिक ईस्टन के रूप में कैथी बिगस ने किरदार निभाया और एडविन स्नेलर के रूप में स्टेनली एडरसन ने किरदार निभाया स्पर्श के रूप में क्रिस्टोफर मारे ने कि्धा निभाया और एडविन न्यूमैन स्वयं के रूप में नजर आए स्वागत में देखा गया कि बॉक्स ऑफिस पर पोलिगन ब्रिफ ने सही सूरज अमेरिका कनाडा में सौ पॉइंट एट मिलियन डॉलर अन्य क्षेत्र में चौरानवे पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर एक सौ पचानवे पॉइंट थ्री मिलियन जबकि इसका उत्पादन का बजट फोर्टी फाइव मिलियन का था अहमियत भरा जवाब में देखा गया कि यह फिल्म रोटेड टमाटोज पर फिल्म को चौवन समीक्षाओं के आधार पर चौवन परसेंट की अनुमोदन रेटिंग मिली जिसकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट फाइव अब्लिक टैन थी साइट की सर्वसंपत्ति ने कहा है कि जूलिया रॉबर्टसन और डेंजोल वाशिंगटन लंबी पेलिकन ब्रिफ में एक समूह टीम है जो एक गु, एक गुड एक, थ्रिलर है जो एलन जो फाकुला के निर्देशन को बौद्धिक निष्कासन को उचित रह, नहीं कराती मेटा क्रेटी पर पंद्रह आलोचकों पर आधारित आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का भारी औसत स्कोर मिला जो फिस्रेटिया औसत समीक्षा द्वारा दर्शाता सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण और निर्देशकों को फिल्म को ए प्लस ए के पाने पर बी प्लस बी का औसत ग्रेड दिया गया पाकुला इन जटिल धागों की बुनी हुई उन्हें समझ उलझाने और उल्लेखनीय काम करता है हालांकि इसके काफी सस्पेंस हालांकि क्योंकि डार्बी और ग्रे उसके पीछे करने वालों के बस निकलते हो लेकिन उसे चला रहा है और उस पर नजर रखने की को की क्षमता का सामना करते हुए निर्देशक व्यापक सस्ती चालों से बचता है और इसके अलावा थ्रिलर जिसमें अधिकांश हिंसा प्रभावी ढंग से स्क्रीन व्यक्त की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने अपनी समीक्षा में लिखा है और पोलिकन ब्रिफ को तरल भूमि आंखों में और गंभीर सतारा गुणवत्ता और उत्सव के रूप में देखा जाता है इसकी लेकिन वे दोनों फिल्म के को चमकाने के लिए बहुत अच्छा काम करते थे इस सन उन्नीस की एक अमेरिकी कानूनी थ्रिलर फिल्म है जो जॉन ग्रीशम के सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर आधारित है एल एन जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून छात्र डार्बी शो की भूमिका है जो डेंजियल हेरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एलन जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एलन जे पाकुला है आधारित थी जॉन ग्रीशम द पोलिकन ब्रिफ सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एलन जे पाकुला पीटर जॉन बुगरे और ब्रैन डी गिलक्रिस्टन ने फिल्म के अभिनी जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन सेम सेट्स जॉन हार्ड्स और टैनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स ए एथरटन रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टूकी हॉग क्रोनिन और जॉन थीम्गो छायाखन था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल फॉर टोडी जहाज द्वारा संगीत है जेम्स होनर द्वारा वन वितरित किया गया वन नर्बरदस्त पिक्चर द्वारा इसको रिलीज किया गया था रिलीज की तारीख सत्रह दिसंबर सन उन्नीस सौ तिरानवे में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम एक सौ इकतालीस मिनट का देश है उत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट पैंतालीस मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों और रोबेसबर्ग की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलर है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वेरहिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक वैरहिक के पास पहुंचती है खुद को गार्सिया बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्राथाम्स से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है डार्बी ग्रांथम से ए भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा फालवे घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वे वैरहिक वे के संपर्क करती है और उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन वैरहिक को मार देता है और बैठक में उसका रूप धारण कर लेता है इससे पहले कि खमेल डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहां वह अपने संक्षेप में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है हत्याए तेल व्यवसायी विक्टर मेटिस के लिए की गई थी जो लुसिया लुइसियाना मार्शलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का एक दोहन करने का इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पेलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डारमिनी अनुमान डारबिनी अनुमान लगाया कि मेटिस मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों न्यायाधीशों की राय अलग लगती राष्ट्रपति के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के की नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है जो वाइट ए की वाशिंगटन डीसी लाफोर में तेल और गैस डिवीजन में वकील है डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित थी वह और ग्रंथम उसकी विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार बम में मध्य से मौत से बमुश्किल बमु, बमु, बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दस्तावेजों और एक वीडियो टैब की समीक्षा करते हैं और टैब डार्बी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्षा के साथ ग्रांटम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निदेशक वॉयलेस ने पुष्टि की डार्बी एक पोलिकन ब्रीफ ब्रीफ व्हाइट वा, हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफ को पीछे हटने का आदेश दिया और सी आई मैटिस की जाँच कर रही है उसने ए, उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफ ने डार्बी के लिए जिस जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षक कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दोषी ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ फ्लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डार काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में देखा गया कि डार्बी शो के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो ग्रंथम के रूप में डेंजिल वाशिंगटन ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के रूप में सेम सेपर्ट ने किरदार निभाया जोन हार्ट गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफ निर्देशक डेटन वेल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किरदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जोन फिन ने विलियम ज... ज… एथरटन ने किदार निभाया राष्ट्रपति के रूप में रॉबर्ट्स क्लब ने किरदार निभाया और खमेल के रूप में स्टेनली ने स्टेनिंग जस्टिस रोसेनबर्ग के रूप में हुआंग क्रोकिन क्रोनिंग ने किदार निभाया स्मिथ क्रीन के रूप में जॉन लिथंगो ने, Sense... ने किदान निभाया और मार्टी ज... वेल मानो के रूप में एंथोली हिल्ड ने किरदार निभाया स्टंप के रूप में निकोलस वुडसन ने किरदार निभाया और एलिस स्कॉट के रूप में सिंथिया निकसन ने किरदार निभाया कारटन मॉर्गन गार्सिया के रूप में जेक वेबर ने किरदार निभाया और जस्टिन जेनसेन के रूप में राल्फ कोमस ने किरदार निभाया एरिक ईस्टन के रूप में कैसी बिगस ने किरदार निभाया और एडविंड स्नेलर के रूप में स्टेनली एडरसन ने किद्धा निभाया स्पर्श के रूप में क्रिस्टोफर मारे ने कि्धा निभाया और एडविन न्यूमैन स्वयं के रूप में नजर आए स्वागत में देखा गया कि बॉक्स ऑफिस पर पोलिगन ब्रीफ ने अमेरिका कनाडा में सौ पॉइंट एट मिलियन डॉलर अन्य क्षेत्र में चौरानवे पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर एक सौ पचानवे प्वाइंट थ्री मिलियन जबकि इसका उत्पादन का बजट फोर्टी फाइव मिलियन का था अहमियत भरा जवाब में देखा गया कि यह फिल्म रोटेड टमाटोज पर फिल्म को चौवन समीक्षाओं के आधार पर चौवन परसेंट की मिली जिसकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट फाइव अब्लिक टैन थी साइट की सर्वसंपत्ति ने कहा है कि जूलिया रॉबर्टसन और डेंजोल वाशिंगटन लम्बी पेलिकन ब्रिस्क एक समूह टीम है जो एक गु, एक गुड एक, थ्रिलर है जो एलन जो फाकुला के निर्देशन को बौद्धिक निष्कासन को उचित रह, नहीं कर रह था रह था मेटा क्रेटी पर पंद्रह आलोचक पर आधारित आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का भारी औसत स्कोर मिला जो फिस्रेटिया औसत समीक्षा जैसा दर्शाता सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण और निर्देशकों को फिल्म को ए प्लस ए के पापारने पर बी प्लस बी का औसत ग्रेड दिया गया पाकुला इन जटिल धागों की बुनी हुई उन्हें समझ लगाने और उल्लेखनीय काम करता है हालांकि इसके काफी सस्पेंस हालांकि क्योंकि डार्बी और ग्रे उसके पीछे करने वालों के बस निकलते हो लेकिन उसे चला रहा है और उस पर नजर रखने की को की क्षमता का सामना करते हुए निर्देशक व्यापक सस्ती चालों से बचता है और इसके अलावा अपेक्षा थ्रिलर जिसमें अधिकांश हिंसा प्रभावी ढंग से अप स्क्रीन व्यक्त की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने अपनी समीक्षा में लिखा है और पोलिकन ब्रिफ को तरल भूमि आंखों में गम और गंभीर सतारा गुणवत्ता और उत्सव के रूप में देखा जाता है इसकी प्रमुख ने और डेंजल और कास्टिंग के लिए धन्यवाद और इस लेकिन वे दोनों फिल्म के को चमकाने के लिए बहुत अच्छा काम करते थे सन उन्नीस की एक अमेरिकी कानूनी थ्रिलर फिल्म है जो जॉन ग्रीशम के सन उन्नीस सौ के उपन्यास पर आधारित है एलन जी पाकुला द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून वाशिंगटन हैरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग, ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एलन जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एल जे पाकुला है आधारित थी जॉन ग्रीशम द पोलिकन ब्रिफ सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एल जे पाकुला पीटर जॉन बुगरे और ब्रैन डी गिलक्रिस्टन ने फिल्म के अभिनेत्री जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन सेम सेपर्ट्स जॉन हार्डस और टैनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स ए एथर्टन रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टूकी हॉंग क्रोनिन और जॉन फिल्मों छायांकन था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल्फ और टोडी जहा द्वारा संगीत है जेम्स होनर द्वारा दुआर वन वितरित किया गया वन बर्दस पिक्चर द्वारा इसको रिलीज किया गया था रिलीज की तारीख सत्रह दिसंबर सन उन्नीस सौ तिरानवे में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम एक सौ इकतालीस मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट पैंतालीस मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों और न्यायाधीशोंग रोबे, की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलर है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वेरहिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक वेर हिक के पास पहुंचती है खुद को गार्सिया बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्राथाम्स से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है डार्बी ग्रांथम से भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा फाल्वे उसके घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वे वैरहिक वे के संपर्क करती है और उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन खमेल ही को मार देता है और बैठक में उसका रूप धारण कर लेता है इससे पहले कि खमेल डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था। ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहां वह अपने संक्षेप में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है हत्याए तेल व्यवशाही विक्टर मेटिस के लिए की गई थी जो लुसियाना लुश्या, मार्शलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का एक दोहन करने का इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पेलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डारमिनी अनुमान डारबिनी अनुमान लगाया कि मेटिस मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों न्यायाधीशों की राय अलग लगती राष्ट्रपति के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के की नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है जो वाइट ए ब्लेजेविच की वाशिंगटन डीसी लाफोर में तेल और गैस डिवीजन में वकील है डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित थी वह विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार बम में मध्य से मौत से बमुश्किल बमु, बमु, बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दस्तावेजों और एक वीडियो टैब की समीक्षा करते हैं और टैब डारबी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्ष्य के साथ ग्रांथम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निदेशक पुष्टि की डारबी एक ब्रीफ, ब्रीफ व्हाइट वा, हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफ को पीछे हटने का आदेश दिया और सी आई मैटिस की जाँच कर रही है उसने उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफ ने डार्बी के लिए जिस जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षक कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दोषी ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डार काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में देखा गया कि डार्बी शो रूप के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो ग्रंथम के रूप में वाशिंगटन ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के रूप में सेम सेपर्ट ने किरदार निभाया जॉन हार्ट गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफ निर्देशक डेटन वर्ल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किरदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जोन फिन ने किदार निभाया कि राष्ट्रपति के, के रूप में रॉबर्ट्स क्लब ने किरदार निभाया और खमेल के रूप में स्टेनिंग और जस्टिस रोसेनबर्ग के रूप में क्रोनिंग ने स्मिथ निभायान के रूप में जॉन लिथंगो ने किरदार निभाया और मार्टी वेल मानो के रूप में एंथोली हिल्ड ने किरदार निभाया, के रूप में निकोलस वुडसन ने किरदार निभाया और एलिस स्कॉट के रूप में सिंथिया निक्सन ने किरदार निभाया कार्टेन मॉर्गन गार्सिया के रूप में जेक वेबर ने किरदार निभाया और जस्टिन जेनसन के रूप में राल्फ कोमस ने किरदार निभाया एरिकन के रूप में कैसी बिगस ने किरदार निभाया और एडविन स्नेलर के रूप में स्टेनली एडरसन ने किरदार निभाया स्पर्श के रूप में क्रिस्टोफर मारे ने कि्धा निभाया और एडविन न्यूमैन स्वयं के रूप में नजर आए स्वागत में देखा गया कि बॉक्स ऑफिस पर पोलिगन ब्रिफ ने अमेरिका कनाडा में सौ पॉइंट एट मिलियन डॉलर अन्य क्षेत्र में चौरानवे पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर एक सौ पचानवे पॉइंट थ्री मिलियन जबकि इसका उत्पादन का बजट फोर्टी फाइव मिलियन का था अहमियत भरा जवाब में देखा गया कि यह फिल्म रोटे टमाटोज पर फिल्म को चौवन समीक्षाओं के आधार पर चौवन परसेंट की साइट की सर्वसंपत्ति ने कहा है कि जूलिया रॉबर्टसन और डेंजोल वाशिंगटन लम्बी पेलिकन ब्रिस्क एक समूह टीम है जो एक एक ग्रू गु, एक, गुड एक, थ्रिलर है जो एलन जो पाकुल के निर्देशन को बौद्धिक निष्कासन को उचित रह, नहीं कर रह था रह था मेटा क्रेटी पर पंद्रह आलोचक पर आधारित आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का भारी औसत स्कोर मिला जो फिजरत या औसत समीक्षा दर्शाता सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण और निर्देशों को फिल्म को ए प्लस ए के पैमाने पर बी प्लस बी का औसत ग्रेड दिया गया पाकुला इन जटिल धागों की बुनी हुई उन्हें समझ उलझाने और उल्लेखनीय काम करता है हालांकि इसके काफी सस्पेंस हाल है क्योंकि डार, डार्बी और ग्रे उसके पीछे करने वालों के बस निकलते हो लेकिन उसे चला रहा है और उस पर नजर रखने की दर्शकों की क्षमता का सामना करते हुए निर्देशक व्यापक सस्ती चालों से बचता है और इसके अलावा बी एफ अपेक्षाकृत बुक थ्रिलर जिसमें अधिकांश हिंसा प्रभावित ढंग से अपस्क्रीन व्यक्त की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने अपनी समीक्षा में लिखा है और पोलिकन ब्रिफ को तरल भूमि आंखों में गम, और गंभीर

निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून शो की भूमिका है जो वाशिंगटन वाशिंगटन हेरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग, ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एल जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एल जे पाकुला है आधारित थी जॉन ग्रीशम द पोलिकन ब्रिफ सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एलन जे पाकुला पीटर जॉन बुगरे और ब्रायन डी गिलक्रिस्टन ने फिल्म के अभिनेत्री जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन सेम से जॉन हार्ड्स और टैनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स ए एथर्टन रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टूकी हॉंग क्रोनिन और जॉन छायांकन था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल टूडी जहाज द्वारा संगीत है दुआर दुआर तिरानवे में, में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम 141 मिनट का देश है उत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट 45 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों और न्यायाधीशोंग रोवे, की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलर्क है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वेरहिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक के पास पहुंचती है खुद को कार्सिया बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्राथाम्स से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है डार्बी ग्रांथम से ए भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा, फाल्वे उसके घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वै, के के संपर्क करती है और उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन खमेल ही को मार देता है और बैठक में उसका रूप धारण कर लेता है इससे पहले कि खमेल डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहां वह अपने संक्षिप्त में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है तेल व्यवसायी विक्टर के लिए की गई थी जो मेटिसना लुश्या, मार्सलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का एक दोहन करने का इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पैलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डारमे ने अनुमाल डार्बी ने अनुमान लगाया कि मैटिस उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों न्यायाधीशों की राय अलग अलग थी राष्ट्रपति के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के की नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है जो वाइट ए लाफोर में तेल और गैस डिवीजन में वकील है डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित थी वह और ग्रंथम उसकी विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार में मध्य से मौत से बमुश्किल बमु, बमु, बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दस्तावेजों और एक वीडियो टैब की समीक्षा करते हैं और टैब डार्बी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज स्थापित करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्षा के साथ ग्रंथम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निर्देशक वॉयलेस ने पुष्टि की कि डार्बी एक पोलिकन ब्रीफ ब्रीफ व्हाइट हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफ को पीछे हटने का आदेश दिया और सी आई मैटिस की जांच कर रही है उसने उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफ ने डार्बी के लिए जिस, जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षक कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दोषी ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ फ्लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डार काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में देखा गया कि डार्बी शो के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो ग्रंथम के रूप में वाशिंगटन ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के रूप में सेम सेपर्ड ने किरदार निभाया जोन हार्ट गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफ निर्देशक डेटन वर्ल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किरदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जॉन फिन ने किरदार निभाया बॉब गैमिनस्की के, के रूप में विलियम एथरटन ने किरदार निभाया राष्ट्रपति के रूप में रॉबर्ट्स क्लब ने किरदार निभाया और खमेल के रूप में स्टेनली टुक्की ने किरदार निभाया और जस्टिस रे रोसेनबर्ग के रूप में हुआंग क्रोकिन क्रोनिंग ने किरदार निभाया स्मिथ क्रीन के रूप में जॉन लिथेंगो ने किरदार निभाया और मार्टी वेल मानो के रूप में एंथोली हिल्ट ने किरदार निभाया के रूप में निकोलस वुडसन ने किरदार निभाया और एलिस स्कॉट के रूप में सिंथिया निकसन ने किरदार निभाया कार्टन मॉर्गन गार्सिया के रूप में जेक वेबर ने किरदार निभाया और जस्टिन जेनसन के रूप में राल्फ कोमस ने किरदार निभाया एरिक एरिकन के रूप में कैसी बिगस ने किरदार निभाया और एडविन स्नेलर के रूप में स्टेनली एडरसन ने किरदार निभाया स्पर्श के रूप में क्रिस्टोफर मारे ने किरदार निभाया और एडविन न्यूमैन सीएम के रूप में नजर आए स्वागत में देखा गया कि बॉक्स ऑफिस पर पॉलीगन ब्रीफ ने सही तरह अमेरिका कनाडा में 100.8 मिलियन डॉलर अन्य क्षेत्र में 94.5 मिलियन की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर 195.3 मिलियन जबकि इसका उत्पादन का बजट 45 मिलियन का था भरा जवाब में देखा गया कि यह फिल्म रो, रोटेट टोमेटोस पर फिल्म को 54 समीक्षाओं के आधार पर 44% की अनु रेटिंग मिली जिसकी औसत रेटिंग 5.5 पॉइंट फाइव थी साइट की सर्वसंपत्ति ने कहा है कि जूलिया रॉबर्टसन और डेंजोल वाशिंगटन लंबी पेलिकन में एक समूह टीम है जो एक गु, एक गुड एक, थ्रिलर है जो एलन जो बौद्धिक निष्कासन को उचित रह, नहीं कर रह रह मेटा क्रेटी पर पंद्रह आलोचक पर आधारित आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का भारी औसत स्कोर मिला जो फिसरत या औसत समीक्षा दर्शाता सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण और निर्देशों को फिल्म को ए प्लस ए के पैमाने पर बी प्लस बी का औसत ग्रेड दिया गया पाकुला इन जटिल धागों की बुनी हुई उन्हें समझ लगाने और उल्लेखनीय काम करता है हालांकि इसके काफी सस्पेंस हाल क्योंकि डार्बी और ग्रे उसके पीछे करने वालों के बस निकलते हो लेकिन उसे चला रहा है और उस पर नजर रखने की दर्शकों की क्षमता का सामना करते हुए निर्देशक व्यापक सस्ती चालों से बचता है और इसके अलावा बी एफ अपेक्षाकृत बुक थ्रिलर जिसमें अधिकांश हिंसा प्रभावित ढंग से अपस्क्रीन व्यक्त की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने अपनी समीक्षा में लिखा है और पोलिकन ब्रिफ को तरल भूमि आंखों में और गंभीर सतारा गुणवत्ता और उत्सव के रूप में देखा जाता है इसकी प्रमुख ने लेकिन वे दोनों फिल्म के को चमकाने के लिए बहुत अच्छा काम करते थे सन उन्नीस सौ तिरानवे की एक अमेरिकी कानूनी थ्रिलर फिल्म है जो जॉन ग्रीसम के सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर आधारित है एलन जी पाकुला द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून छात्र डार्बी शो की भूमिका है जो डेन्जियल वाशिंगटन वाशिंगटन हेरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग, ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एलन जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एलन जे पाकुला है आधारित थी जॉन ग्रीशम द्रीफे के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एल एन जे पाकुला पीटर जॉन बुग्रे और ब्रैंड डी के अभिनेत्री जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन सेम से जॉन हार्डस और टेनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स ए एथर्टन रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टूकी हॉंग क्रोनिन और जॉन थींगो छाया था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल फॉर टोडी जहाज द्वारा संगीत है जेम्स होनर द्वारा द्वारा वितरित किया किया गया गया वर्नर इसको रिलीज था। रिलीज था की तारीख सन उन्नीस सौ तिरानवे में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम 141 मिनट का देश से उत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट 45 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों और न्यायाधीशोंग रोवे, की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलक है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वेरहिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक के पास पहुंचती है खुद को बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्रांथम से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है डार्बी से ए भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा, फाल्वे उसके घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वैर हिक के संपर्क करती है उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन सह खमेल वैर हिक को मार देता है और बैठक में उसका रूप धारण कर लेता है इससे पहले कि खमेल डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहां वह अपने संक्षेप में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है हत्याई तेल व्यवसायी विक्टर मैटिस की गई थी जो लुशियाना लुश्या, मार्सलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का का एक दोहन करने इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पैलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डारबी ने अनुमान डारबी ने अनुमान लगाया कि मेटिस मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों न्यायाधीशों की राय अलग लगती राष्ट्रपति के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के की नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है जो वाइट ए ब्लेजेविच की वाशिंगटन डीसी लाफोर में तेल और गैस डिवीजन में वकील है डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित थी वह और ग्रंथम उसकी विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार में मदे से मौत से बमुश्किल बमु, बमु, बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दस्तावेजों और एक वीडियो टैब की समीक्षा करते हैं और टैब डार्बी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज स्थापित करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्ष्य के साथ ग्रंथम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निदेशक वॉलेस ने पुष्टि की कि डार्बी एक पोलिकन ब्रीफ ए, ब्रीफ व्हाइट हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफबीआई को पीछे हटने का आदेश दिया और सीआईए मैटिस की जांच कर रही है उसने उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफबीआई ने डार्बी के लिए जिस जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षक कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दोषी ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डर काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में देखा गया कि डार्बी शो के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो ग्रंथम के रूप में डेंजेल वाशिंगटन ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के रूप में सेम सेपर्ड ने किरदार निभाया जोन हार्ट गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफ निर्देशक डेटन वेल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किरदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जोन फिन ने किरदार निभाया बोम गैमिनस्की के रूप में विलियम एथरटन ने किरदार निभाया राष्ट्रपति के रूप में रॉबर्ट्स क्लब ने किरदार निभाया और खमेल के रूप में स्टेनली टुक्की ने किरदार निभाया और जस्टिस रे रोसेनबर्ग के रूप में हुआंग क्रोकिन क्रोनिंग ने किरदार निभाया स्मिथ क्रीन के रूप में जॉन लिथेंगो ने किरदार निभाया और मार्टी वेल मानो के रूप में एंथोली हिल्ड ने किरदार निभाया स्टंप के रूप में निकोलस वुडसन ने किरदार निभाया और एलिस स्कॉट के रूप में सिंथिया निक्सन ने किरदार निभाया कारटन मॉर्गन गार्सिया के रूप में जेक वेबर ने किरदार निभाया और जस्टिन जेनसेन के रूप में राल्फ कोमस ने किरदार निभाया एरिक ईस्टन के रूप में कैथी बिगस ने किरदार निभाया और एडविन स्नेलर के रूप में स्टेनली एडरसन ने किरदार निभाया स्पर्श के रूप में क्रिस्टोफर मारे ने किदा निभाया और एडविन न्यूमैन स्वयं के रूप में नजर आए स्वागत में देखा गया कि बॉक्स ऑफिस पर पोलिगन ब्रिफ ने सही सूरज अमेरिका कनाडा में सौ पॉइंट एट मिलियन डॉलर अन्य क्षेत्र में चौरानवे पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर एक सौ पचानवे पॉइंट थ्री मिलियन जबकि इसका उत्पादन का बजट फोर्टी फाइव मिलियन का था अहमियत भरा जवाब में देखा गया कि यह फिल्म रोटेड टमाटोज पर फिल्म को चौवन समीक्षाओं के आधार पर चौवन परसेंट की अनुमोदन रेटिंग मिली जिसकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट फाइव अब्लिक टैन थी साइट की सर्वसंपत्ति ने कहा है कि जूलिया रॉबर्टसन और डेंजोल वाशिंगटन लंबी पेलिकन ब्रिस्क में एक समूह टीम है जो एक, गु, एक, गु, एक, गु, एक गुड थ्रिलर है जो एलन जो पाकुल के निर्देशन को बौद्धिक निष्कासन को उचित रह, नहीं कराती मेटा क्रेटी पर पंद्रह आलोचकों पर आधारित आधार पर फिल्म को सौ में से पचास का भारी आसौत स्कोर मिला जो तीसरे तीय औसत समीक्षा दर्शाता सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण और निर्देशों को फिल्म को ए प्लस ए के पैमाने पर बी प्लस बी का औसत ग्रेड दिया गया पाकुला इन जटिल धागों की बुनी हुई उन्हें समझ उलझाने और उल्लेखनीय काम करता है हालांकि इसके काफी सस्पेंस हाल है क्योंकि डार, डार्बी और ग्रे उसके पीछे करने वालों के बस निकलते हो लेकिन उसे चला रहा है और उस पर नजर रखने की दर्शकों की क्षमता का सामना करते हुए निर्देशक व्यापक सस्ती चालों से बचता है और इसके अलावा बी एफ अपेक्षाकृत बुक थ्रिलर जिसमें अधिकांश हिंसा प्रभावी ढंग से स्क्रीन व्यक्त की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने अपनी समीक्षा में लिखा है और पोलिकन ब्रीफ को तरल भूमि आंखों में और गंभीर सतारा गुणवत्ता और उत्सव के रूप में देखा जाता है इसकी प्रमुख ने लेकिन वे दोनों फिल्म के को चमकाने के लिए बहुत अच्छा काम करते थे सन उन्नीस सौ तिरानवे की एक अमेरिकी कानूनी थ्रिलर फिल्म है जो जॉन ग्रीसम के सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर आधारित है एलन जी पाकुला द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून छात्र डार्बी शो की भूमिका है जो डेंजियल वाशिंगटन वाशिंगटन हेरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एल जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एलन जे पाकुला है आधारित थी जॉन ग्रीशम द पोलिकन ब्रीफ सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एलन जे पाकुला पीटर जॉन बुगरे और ब्रैंड डी गिलक्रिस्टन ने फिल्म के अभिनेत्री जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन सेम सेपर्ट्स जॉन हार्ड्स और टैनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स ए एथर्टन रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टूकी हॉग क्रोनिन और जॉन थीम्गो छायांकन था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल फॉर टोडी जहा द्वारा संगीत है जेम्स होनर द्वारा वन वितरित किया गया वन नंबर पिक्चर द्वारा इसको रिलीज किया गया था रिलीज की तारीख सत्रह दिसंबर सन उन्नीस सौ तिरानवे में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम एक सौ इकतालीस मिनट का देश है उतराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट पैंतालीस मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों और रोबेबर्ग की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलर है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वेरहिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक वैरहिक के पास पहुंचती है खुद को गार्सिया बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्राथाम्स से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है डार्बी ग्रांथम से ए भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा फाल्वे उसके घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वे, वे हिक के संपर्क करती है और उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन सह खमेल वैरहिक को मार देता है और बैठक में उसका रूप धारण कर लेता है इससे पहले कि खमेल डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहां वह अपने संक्षेप में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है हत्याएं तेल व्यवसायी विक्टर मेटिस के लिए की गई थी जो लुशिया लुशियाना मार्सलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का एक दोहन करने का इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पैलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डार्मी ने डार्बी ने अनुमान लगाया कि मेटिस को अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों न्यायाधीशों की राय अलग अलग थी राष्ट्रपति के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है जो वाइट ए लाफोर में तेल और गैस डिवीजन में वकील है डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित थी वह और ग्रंथम उसकी विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार बम में मध्य से मौत से बमुश्किल बमु, बमु, बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दस्तावेजों और एक वीडियो टैप की समीक्षा करते हैं और टैप डारबी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज स्थापित करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्ष्य के साथ ग्रंथम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निदेशक वालेस ने पुष्टि की कि डारबी एक पोलिकन ब्रीफ ए, ब्रीफ व्हाइट वा, हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफ को पीछे हटने का आदेश दिया और सी आई मैटिस की जाँच कर रही है उसने उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफबीआई ने डार्बी के लिए जिस जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षक कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दोषी ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ फ्लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डर काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में, में देखा गया कि डार्बी शो के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो ग्रंथम के रूप में डेन्जियल वाशिंगटन ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के, के रूप में सेम सेपर्ड ने किरदार निभाया जॉन हार्ड गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफबीआई निर्देशक डेटन वर्ल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किरदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जोन फिन ने किदार निभाया बॉब गैमिनस्की के रूप में विलियम एथरटन ने निभाया राष्ट्रपति के रूप में रॉबर्ट्स क्लब ने किरदार निभाया और खमेल के रूप में स्टेनली ने किरदार निभाया और जस्टिस रोसेनबर्ग के रूप में क्रोनिंग ने किरदार निभाया स्मिथ ग्रीन के रूप में जॉन लिथंगो ने किरदार निभाया और मार्टी वेल मानो के रूप में एंथोली हिल्ड ने किरदार निभाया स्टंप के रूप में निकोलस वुडसन ने किरदार निभाया और एलिस स्कॉट के रूप में सिंथिया निकसन ने किरदार निभाया कारटन मॉर्गन गार्सिया के रूप में जेक वेबर ने किरदार निभाया और जस्टिन जेनसेन के रूप में राल्फ कोमस ने किरदार निभाया एरिक ईस्टन के रूप में कैथी बिगस ने किरदार निभाया और एडविन स्नेलर के रूप में स्टेनली एडरसन ने किरदार निभाया के रूप में क्रिस्टोफर मारे ने किरदार निभाया और एडविन न्यूमैन स्वयं के रूप में नजर आए स्वागत में देखा गया कि बॉक्स ऑफिस पर पोलिगन ब्रिफ ने अमेरिका कनाडा में सौ पॉइंट एट मिलियन डॉलर अन्य क्षेत्र में चौरानवे पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर एक मिलियन जबकि इसका उत्पादन का बजट फोर्टी मिलियन का था अहमियत भरा जवाब में देखा गया कि यह फिल्म रोटेड टमाटोज पर फिल्म को चौवन समीक्षाओं के आधार पर चौवन परसेंट की मिली जिसकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट फाइव अब्लिक टैन थी साइट की सर्व संपत्ति ने कहा है कि जूलिया रॉबर्टसन और डेंजोल वाशिंगटन लॉम्बी पेलिकन ब्रिस्क में एक समूह टीम है जो एक गु, एक, गु, एक, गु, एक गुड थ्रिलर है जो एलन जो पाकुला के निर्देशन को बौद्धिक निष्कासन को उचित रह, नहीं कर मेटा क्रेटी पर पंद्रह आलोचकों पर आधारित आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का भारी औसत स्कोर मिला जो फिशरेटिया औसत समीक्षा दर्शाता सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण और निर्देशकों को फिल्म को ए प्लस ए के पाप पर बी प्लस बी का औसत ग्रेड दिया गया पाकुला इन जटिल धागों की बुनी हुई उन्हें समझ उलझाने और उल्लेखनीय काम करता है हालांकि इसके काफी सस्पेंस हालांकि क्योंकि डार्बी डार और ग्रे उसके पीछे करने वालों के बस निकलते हो लेकिन उसे चला रहा है और उस पर नजर रखने की दर्शकों की क्षमता का सामना करते हुए निर्देशक व्यापक सस्ती चालों से बचता है और इसके अलावा बी एफ अपेक्षाकृत बुक थ्रिलर जिसमें अधिकांश हिंसा प्रभावी ढंग से स्क्रीन व्यक्त की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने अपनी समीक्षा में लिखा है और पोलिकन ब्रिफ को तरल भूमि आंखों में गम, और गंभीर सतारा गुणवत्ता और उत्सव के रूप में देखा जाता है इसकी प्रमुख ने लेकिन वे दोनों फिल्म के को चमकाने के लिए बहुत अच्छा काम करते थे सन उन्नीस की एक अमेरिकी कानूनी थ्रिलर फिल्म है जो जॉन ग्रीशम के सन उन्नीस सौ के उपन्यास पर आधारित है एलन जी पाकुला द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून वाशिंगटन हैरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग, ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एलन जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एलन जे पाकुला है आधारित थी जॉन ग्रीशम द पोलिकन ब्रिफ सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एल जे पाकुला पीटर जॉन बुगरे और ब्रैन डी गिलक्रिस्टन ने फिल्म के अभिनेत्री जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन सेम सेपर्ट्स जॉन हार्ड्स और टैनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स ए एथर्टन रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टूकी हॉग क्रोनिन और जॉन थीम्गो छायाखन था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल्फ और टूडी जहा द्वारा संगीत है जेम्स होनर द्वारा वन वितरित किया गया वन नर्बरदस्त पिक्चर द्वारा इसको रिलीज किया गया था रिलीज की तारीख सत्रह दिसंबर सन उन्नीस सौ तिरानबे में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम एक सौ इकतालीस मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट पैंतालीस मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों और रोबेसबर्ग की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलर है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वेरहिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक वेयरिक के पास पहुंचती है खुद को कार्सिया बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्राथम्स से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है डार्बी ग्राथम से ए भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा, फाल्वे उसके घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वे वे संपर्क करती है और उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन खमेल वे ही को मार देता है और बैठक में उसका रूप धारण कर लेता है इससे पहले कि डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहां वह अपने संक्षेप में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है हत्याए तेल व्यवसायी विक्टर मेटिस के लिए की गई थी जो लुसियाना लुश्या, मार्शलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का एक दोहन करने का इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पेलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डारमिनी अनुमान डारबिनी ने अनुमान लगाया कि मेटिस मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों की अलग लगती। के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है जो वाइट ए लाफोर में तेल और गैस डिवीजन में वकील है डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित ही वह और उसकी विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार बम में मध्य से मौत से बमुश्किल बमु, बमु, बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दस्तावेजों और एक वीडियो टैब की समीक्षा करते हैं और टैब डार्बी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज स्थापित करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्ष्य के साथ ग्रांथम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निर्देशक वालेस ने पुष्टि की कि डार्बी एक पोलिकन ब्रीफ ए, ब्रीफ व्हाइट हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफ को पीछे हटने का आदेश दिया और सी आई मैटिस की जाँच कर रही है उसने उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफ ने डार्बी के लिए जिस जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षक कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दोषी ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ फ्लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डार काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में देखा गया कि डार्बी शो के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो ग्रंथम के रूप में डेंजियल वाशिंगटन ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के रूप में ए, सेम सेपर्ड ने किरदार निभाया जॉन हार्ट गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफ निर्देशक डेटन वर्ल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किरदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जोन फिन ने किदान निभाया किया राष्ट्रपति के रूप में रॉबर्ट्स क्लब ने किरदार निभाया और खमेल के रूप में स्टेनली ने और जस्टिस रोसेनबर्ग के रूप में हुआंग क्रोकिन क्रोनिंग ने किदार निभाया स्मिथ क्रीन के रूप में जॉन लिथंगो ने किदार निभाया और मार्टी वेल मानो के रूप mm -hmm. में एंथोली हिल्डने ने किरदार निभाया स्टम्प के रूप में निकोलस वुडसन ने किरदार निभाया और एलिस स्कॉट के रूप में सिंथिया निक्सन ने किरदार निभाया कार्टेन मॉर्गन गार्सिया के रूप में जेक वेबर ने किरदार निभाया और जस्टिन जेनसन के रूप में राल्फ कोमस ने किरदार निभाया एरिक स्टन के रूप में कैसी बिगस ने किरदार निभाया और एडविन स्नेलर के रूप में स्टेनली एडरसन ने किरदार निभाया स्पर्श के रूप में क्रिस्टोफर मारे ने किरदा निभाया और एडविन न्यूमैन स्वयं के रूप में नजर आए स्वागत में देखा गया कि बॉक्स ऑफिस पर पोलिगन ब्रिफ ने अमेरिका कनाडा में सौ पॉइंट एट मिलियन डॉलर अन्य क्षेत्र में चौरानवे पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर एक सौ पचानवे पॉइंट थ्री मिलियन जबकि इसका उत्पादन का बजट फोर्टी फाइव मिलियन का था अहमद भरा जवाब में देखा गया कि यह फिल्म रोटेड टमाटोज पर फिल्म को चौवन समीक्षाओं के आधार पर चौवन परसेंट की अनुमोदन रेटिंग मिली जिसकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट फाइव अब्लिक टैन थी साइट की सर्वसंपत्ति ने कहा है कि जूलिया रॉबर्टसन और डेंजोल वाशिंगटन लम्बी पेलिकन ब्रिस्क में एक समूह टीम है जो एक गु, एक, गु, एक, गु, एक गुड थ्रिलर है जो एलन जो पाकुला के निर्देशन को बौद्धिक निष्कासन को उचित रह, नहीं कर ठहराती मेटा पर पंद्रह आलोचक पर आधारित आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का भारी औसत स्कोर मिला जो फिस्रेटिया औसत समीक्षा दर्शाता सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण और निर्देशकों को फिल्म को ए प्लस ए के पाने पर बी प्लस बी का औसत ग्रेड दिया गया पाकुला इन जटिल धागों की बुनी हुई उन्हें समझ उलझाने और उलिखने काम करता है हालांकि इसके काफी सस्पेंस हालांकि क्योंकि डार्बी डार और ग्रे उसके पीछे करने वालों के बस निकलते हो लेकिन उसे चला रहा है और उस पर नजर रखने की दर्शकों की क्षमता का सामना करते हुए निर्देशक व्यापक सस्ती चालों से बचता है और इसके अलावा बी एफ अपेक्षाकृत बुक थ्रिलर जिसमें अधिकांश हिंसा प्रभावित ढंग से स्क्रीन व्यक्त की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने अपनी समीक्षा में लिखा है और पोलिकन ब्रिफ को तरल भूमि आंखों में और गंभीर सतारा गुणवत्ता और उत्सव के रूप में देखा जाता है इसकी ने लेकिन वे दोनों फिल्म के को चमकाने के लिए बहुत अच्छा काम करते थे इस सन उन्नीस सौ तिरानवे अमेरिकी कानूनी थ्रिलर फिल्म है जो जॉन ग्रीशम के सन उन्नीस सौ के उपन्यास पर आधारित है एलन जी पाकुला द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून भूमिका है जो डेंजियल हेरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग्रा, ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एलन जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एल जे पाकुला है आधारित थी जॉन ग्रीशम द पोलिकन ब्रिफ सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एलन जे पाकुला पीटर जॉन बुगरे और ब्रायन डी गिलक्रिस्टन ने फिल्म के अभिनेत्री जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन सेम सेपर्ट्स जॉन हार्डस और टैनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स ए एथरटन रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टूकी हॉंग क्रोनिन और जॉन थींगो छायांकन था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल्स और टोडी जहा द्वारा संगीत है जेम्स होनर द्वारा वितरित किया गया पिक्चर द्वारा इसको रिलीज किया गया था रिलीज की तारीख सत्रह दिसंबर सन उन्नीस सौ में, में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम 141 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट 45 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों और रोबे, रोबेंसबर्ग की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलर्क है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वेरहिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक वैरहिक के पास पहुंचती है खुद को कार्सिया बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्राथाम्स से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है डार्बी ग्राथम से ए भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा, फाल्वे उसके घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वे वैरहिक वे के संपर्क करती है उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन खमेल में खमेल डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहां वह अपने संक्षेप में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है हत्याए तेल व्यवसायी विक्टर मेटिस के लिए की गई थी जो लुशिया लुशियाना मार्सलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का एक दोहन करने का इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पैलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डार्बी अनुमान डार्बी अनुमान लगाया कि मैटिस मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों न्यायाधीशों की राय अलग लगती राष्ट्रपति के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के की नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है जो वाइट वाशिंगटन डीसी लाफोर में तेल और गैस डिवीजन में वकील है डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित थी वह और ग्रंथम उसकी विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार बम में मध्य से मौत से बमु, बमु, बमुश्किल बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दस्तावेजों और एक वीडियो टैब की समीक्षा करते हैं और टैब डार्बी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्ष्य के साथ ग्रांथम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निदेशक वॉलेस ने पुष्टि की कि डार्बी एक ब्रीफ, ब्रीफ व्हाइट वा, हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफ को पीछे हटने का आदेश दिया और सी आई मैटिस की जाँच कर रही है उसने उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफ ने डार्बी के लिए जिस जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षक कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दो सीट ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डार काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में देखा गया कि डार्बी शो रूप के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो ग्रंथम के रूप में डेंजेल वाशिंगटन ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के रूप में सेम सेपर्ड ने किरदार निभाया जॉन हर्ट गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफ बी निर्देशक डेटन वर्ल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किरदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जोन फिन ने किदान निभाया किया राष्ट्रपति के रूप में रॉबर्ट्स क्लब ने किरदार निभाया और खमेल निभाया और जस्टिस रोसेनबर्ग के रूप में क्रोनिंग ने निभाया स्मिथ निभायान के रूप में जॉन लिथंगो ने किदार निभाया और मार्टी वेल मानो के रूप में एंथोली हिल्ड ने किरदार निभाया के रूप में निकोलस वुडसन ने किरदार निभाया और एलिस स्कॉट के रूप में सिंथिया निकसन ने किरदार निभाया मॉर्गन गार्सिया के रूप में जेक वेबर ने किरदार निभाया और जस्टिन जेनसन के रूप में राल्फ कोमस ने किरदार निभाया एरिक के रूप में कैसी बिगस ने किरदार निभाया और एडविन स्नेलर के रूप में स्टेनली एडरसन ने किरदार निभाया निभायास के रूप में क्रिस्टोफर मारे ने किरदार निभाया और एडविन न्यूमैन के रूप में नजर आए स्वागत में देखा गया कि बॉक्स की की दुनिया भर में कुल मिलाकर एक सौ पचानवे में थ्री मिलियन जबकि इसका उत्पादन का बजट फोर्टी फाइव मिलियन का था अहमियत भरा जवाब में देखा गया कि यह फिल्म रो, रोटेड टमाटोज पर फिल्म को चौवन समीक्षाओं के आधार पर चौवन की अनु रेटिंग मिली जिसकी औसत रेटिंग 5.5 पॉइंट फाइव थी साइट की सर्व संपत्ति ने कहा है कि जूलिया रॉबर्टसन और वाशिंगटन लंबी पेलिकन में एक सम्मोहक टीम है जो एक गु, एक गुड एक, थ्रिलर है जो एलन जो पाकुला के निर्देशन को बौद्धिक निष्कासन को उचित नहीं कर रह रह मेटा क्रिटी पर पंद्रह आलोचक पर आधारित आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का भारी औसत स्कोर मिला जो फिस्रेटिया औसत समीक्षा दर्शाता सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण और निर्देशकों को फिल्म को ए प्लस ए के पाने पर बी प्लस बी का औसत ग्रेड दिया गया पाकुला इन जटिल धागों की बुनी हुई उन्हें समझ लगाने और उल्लेखने काम करता है हालांकि इसके काफी सस्पेंस हालांकि क्योंकि डार्बी डार और ग्रे उसके पीछे करने वालों के बस निकलते हो लेकिन उसे चला रहा है और उस पर नजर रखने की दर्शकों की क्षमता का सामना करते हुए निर्देशक व्यापक सस्ती चालों से बचता है और इसके अलावा बी एफ अपेक्षाकृत बुक थ्रिलर जिसमें अधिकांश हिंसा प्रभावित ढंग से अपस्क्रीन व्यक्त की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने अपनी समीक्षा में लिखा है और पोलिकन ब्रिफ को तरल भूमि आंखों में और गंभीर सतारा गुणवत्ता और उत्सव के रूप में देखा जाता है इसकी ने लेकिन वे दोनों फिल्म के को चमकाने के लिए बहुत अच्छा काम करते थे इस सन उन्नीस सौ तिरानवे की एक अमेरिकी कानूनी थ्रिलर फिल्म है जो जॉन ग्रीशम के सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर आधारित है एलन जी पाकुला द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून छात्र डार्बी शो की भूमिका है जो वाशिंगटन वाशिंगटन हेरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग, ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एल जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एरन जे पाकुला है आधारित थी जॉन ग्रीशम द्रीफ सौ के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एलन जे पाकुला पीटर जॉन बुगरे और ब्रायन डी गिलक्रिस्टन ने फिल्म के अभिनेत्री जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन सेम से जॉन हार्डस और टैनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स ए एथर्टन रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टूकी हॉंग क्रोनिन और जॉन फिल्म फिल्मों छायांकन था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल्स और टोडी जहा द्वारा संगीत है जेम्स होनर द्वारा वितरित किया गया वन पिक्चर द्वारा इसको रिलीज किया गया था रिलीज की तारीख सत्रह दिसंबर सन उन्नीस सौ में, में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम एक मिनट का देश है उतराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट पैंतालीस मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर का, काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों और न्यायाधीशोंग रोबे, की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलर्क है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वेरहिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक के पास पहुंचती है खुद को बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्राथाम्स से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है डार्बी ग्रांथम से ए भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा, फाल्वे उसके घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वे वेर हिक के संपर्क करती है उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन सह खमेल वेर हिक को मार देता है और बैठक में उसका रूप धारण कर लेता है इससे पहले कि खमेल डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहां वह अपने संक्षेप में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है हत्याई तेल व्यवसायी विक्टर मैटिस की गई थी जो लुशियाना लुश्या, मार्सलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का का एक दोहन करने इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पैलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डारबी ने अनुमान डारबी ने अनुमान लगाया कि मेटिस मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों न्यायाधीशों की राय अलग लगती राष्ट्रपति के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के की नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है। डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित थी वह और ग्रंथम उसकी विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार बम में मध्य से मौत से बमु, बमु, बमुश्किल बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दस्तावेजों और एक वीडियो टैब की समीक्षा करते हैं और टैब डार्बी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज स्थापित करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्ष्य के साथ ग्रंथम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निदेशक वॉयलेस ने पुष्टि की कि डार्बी एक पोलिकन ब्रीफ ब्रीफ व्हाइट वा, हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफबीआई को पीछे हटने का आदेश दिया और सीआईए मैट्रिक्स की जांच कर रही है उसने उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफबीआई ने डार्बी के लिए जिस जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षण कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दोषी ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डार काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में देखा गया कि डार्बी शो रूप के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो ग्रंथम ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के रूप में सेम सेपर्ट ने किरदार निभाया जोन हार्ट गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफ निर्देशक डेटन वर्ल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किरदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जोन फिन ने किदान निभाया किये राष्ट्रपति के रूप में रॉबर्ट्स क्लब ने किरदार निभाया और खमेल के रूप में स्टेनली टी ने किरदार निभाया और जस्टिस रोसेनबर्ग के रूप में हुआंग क्रोकिन क्रोनिंग ने किरदार निभाया स्मिथ क्रीन के रूप में जॉन लिथंगो ने किरदार निभाया और मार्टी वेल मानो के रूप में एंथोली हिल्ड ने किरदार निभाया स्टंप के रूप में निकोलस वुडसन ने किरदार निभाया और एलिस स्कॉट के रूप में सिंथिया निकसन ने किरदार निभाया कारटन मॉर्गन गार्सिया के रूप में जेक वेबर ने किरदार निभाया और जस्टिन जेनसेन के रूप में राल्फ कोम्स ने किरदार निभाया एरिक ईस्टन के रूप में कैथी बिगस ने किरदार निभाया और एडविन स्नेलर के रूप में स्टेनली एडरसन ने किरदार निभाया के रूप में क्रिस्टोफर मारे ने किरदार निभाया और एडविन न्यूमैन स्वयं के रूप में नजर आए स्वागत में देखा गया कि बॉक्स ऑफिस पर ने अमेरिका कनाडा में सौ पॉइंट एट मिलियन डॉलर अन्य क्षेत्र में चौरानवे पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर एक सौ पचानवे प्वाइंट थ्री मिलियन जबकि इसका उत्पादन का बजट फोर्टी फाइव मिलियन का था अहमियत भरा जवाब में देखा गया कि यह फिल्म रोटेड टमाटोज पर फिल्म को चौवन समीक्षाओं के आधार पर चौवन परसेंट की अनुमोदन रेटिंग मिली जिसकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट फाइव ओबिक टैन थी साइट की सर्वसंपत्ति ने कहा है कि जूलिया रॉबर्टसन और डेंजोल वाशिंगटन लम्बी पेलिकन ब्रिफ में एक समूहक टीम है जो एक गु, एक गुड थ्रिलर है जो एलन जो पाकुल के निर्देशन को बौद्धिक निष्कासन को उचित रह, नहीं कर मेटा क्रिटी पर पंद्रह आलोचकों पर आधारित आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का भारी औसत स्कोर मिला जो फिस्रेटिया औसत समीक्षा दर्शाता सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण और निर्देशकों को फिल्म को ए प्लस ए के पाने पर बी प्लस बी का औसत ग्रेड दिया गया पाकुला इन जटिल धागों की बुनी हुई उन्हें समझ उलझाने और उलिखने काम करता है हालांकि इसके काफी सस्पेंस हालांकि क्योंकि डार, डार्बी और ग्रे उसके पीछे करने वालों के बस निकलते हो लेकिन उसे चला रहा है और उस पर नजर रखने की दर्शकों की क्षमता का सामना करते हुए निर्देशक व्यापक सस्ती चालों से बचता है और इसके अलावा बी एफ अपेक्षाकृत गोरबुक थ्रिलर जिसमें अधिकांश हिंसा प्रभावित ढंग से स्क्रीन व्यक्त की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने अपनी समीक्षा में लिखा है और पोलिकन ब्रिफ को तरल भूमि आंखों में और गंभीर

निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून छात्र डार्बी शो की भूमिका है जो डेंजियल वाशिंगटन वाशिंगटन हेरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग, ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एलन जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एलन जे पाकुला है आधारित थी जॉन ग्रीशम द पोलिकन ब्रिफ सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एलन जे पाकुला पीटर जॉन बुगरे और ब्रैंड डी गिलक्रिस्टन ने फिल्म के अभिनेत्री जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन सेम सेपर्ट्स जॉन हार्ड्स और टैनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स ए एथर्टन रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टुकी हॉग क्रोनिन और जॉन थींगो छाया था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल फॉर टोडी जहाज द्वारा संगीत है जेम्स होनर द्वारा द्वारा वितरित किया किया गया गया पिक्चर इसको रिलीज था। रिलीज था की तारीख सत्रह दिसंबर सन उन्नीस सौ तिरानवे में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम एक सौ इकतालीस मिनट का देश अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट पैंतालीस मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों और रोबे, रोबेंबर्ग की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलर है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वेरहिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक के पास पहुंचती है खुद को बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्रांथम से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है डार्बी से ए भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा, फाल्वे उसके घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वे वैरहिक के संपर्क करती है और उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन खमेल वैरहिक को मार देता है और बैठक में उसका रूप धारण कर लेता है इससे पहले कि खमेल डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहां वह अपने संक्षेप में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है हत्याएं तेल व्यवसायी विक्टर मैटिस की गई थी जो लुशियाना लुश्या, मार्सलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का का दोहन करने इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पैलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डारबी ने अनुमान डारबी ने अनुमान लगाया कि मेटिस मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों न्यायाधीशों की राय अलग लगती राष्ट्रपति के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के की नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है जो वाइट ए ब्लेजेविच वाशिंगटन डीसी लाफोर में तेल और गैस डिवीजन में वकील है डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित थी, थी वह और ग्रंथम उसकी विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार बम में मद्दे से मौत से बमुश्किल बमु, बमु, बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दस्तावेजों और एक वीडियो टैप की समीक्षा करते हैं और टैप डारबी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज स्थापित करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्षा के साथ ग्रांथम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निदेशक वॉयलेस ने पुष्टि की कि डारबी एक पोलिकन ब्रीफ ब्रीफ व्हाइट वा, हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफबीआई को पीछे हटने का आदेश दिया और सीआईए मैट्रिक्स की जांच कर रही है उसने उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफबीआई ने डार्बी के लिए जिस, जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षण कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दो ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डार काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में देखा गया कि डार्बी शो के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो ग्रंथम के रूप में डेंजियल वाशिंगटन ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के रूप में ए... सेम सेपर्ड ने किरदार निभाया जोन हार्ट गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफ निर्देशक ए... ए... डेटन वेल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किरदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जोन फिन ने किदान निभाया किया राष्ट्रपति के, के रूप में रॉबर्ट्स ए... क्लब ने किदान निभाया और खमेल स्टेन निभाया और ज... जस्टि... जस्टिस रोसेनबर्ग के रूप में क्रोकिन क्रोनिंग ने स्मिथ ग्रीन के रूप में जॉन लिथंगो ने किरदार निभाया और मार्टी वेल मानो के रूप में एंथोली हिल्ड ने किदा निभाया स्टम्प के रूप में निकोलस वुडसन ने किरदार निभाया और एलिस स्कॉट के रूप में सिंथिया निकसन ने किदा निभाया कार्टन मॉर्गन गार्सिया के रूप में जेक वेबर ने किदार निभाया और जस्टिन जेनसन के रूप में राल्फ कोमस ने किदा निभाया एरिक एरिकन के रूप में कैसी बिगस ने किदा निभाया और एडविन स्नेलर के रूप में स्टेनली एडरसन ने कि्दा निभाया स्पर्ट के रूप में क्रिस्टोफर मारे ने किरदार निभाया और एडविन न्यूमैन के रूप में में नजर आए स्वागत देखा गया कि बॉक्स ऑफिस पर ने की की, एक सौ पचानवे पॉइंट थ्री मिलियन जबकि इसका उत्पादन का बजट फोर्टी फाइव मिलियन का था अहमियत भरा जवाब में देखा गया कि यह फिल्म रो, रोटेड टमाटोज पर फिल्म को चौवन समीक्षाओं के आधार पर चौवन परसेंट की अनु मॉडर्न रेटिंग मिली जिसकी औसत रेटिंग 5.5 पॉइंट फाइव थी साइट की सर्वा संपत्ति ने कहा है कि जूलिया रॉबर्टसन और डेंजोल वाशिंगटन लंबी पेलिकन ब्रिस्क में एक समूहक टीम है जो एक गु, एक, गु, एक गुड थ्रिलर है जो एलन जो पाकुला के निर्देशन को बौद्धिक निष्कासन को उचित नहीं कर ठहराती मेटाक्रिटी पर पंद्रह आलोचक पर आधारित आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का भारी औसत स्कोर मिला जो स्फिसरेटिया औसत समीक्षा द्वारा दर्शाता सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण और निर्देशकों को फिल्म को ए प्लस ए के पाने पर बी प्लस बी का औसत ग्रेड दिया गया पाकुला इन जटिल धागों की बुनी हुई उन्हें समझ उलझाने और उलिखने काम करता है हालांकि इसके काफी सस्पेंस हालांकि क्योंकि डार्बी और ग्रे उसके पीछे करने वालों के बस निकलते हो लेकिन उसे चला रहा है और उस पर नजर रखने की को की क्षमता का सामना करते हुए निर्देशक व्यापक सस्ती चालों से बचता है और इसके अलावा जिसमें अधिकांश हिंसा प्रभावित ढंग से स्क्रीन व्यक्त की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने अपनी समीक्षा में लिखा है और पोलिकन ब्रिफ को तरल भूमि आंखों में और गंभीर सतारा गुणवत्ता और उत्सव के रूप में देखा जाता है इसकी प्रमुख इस के के लेकिन वे दोनों फिल्म के को चमकाने के लिए बहुत अच्छा काम करते थे इस सन उन्नीस की एक अमेरिकी कानूनी थ्रिलर फिल्म है जो जॉन ग्रीशम के सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर आधारित है एल एनजी पाकुला द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और युवा कानून वाशिंगटन हैरोल्ड और रिपोर्टर्स ग्रे ग, ग्राथम की भूमिका यह फिल्म जिसमें जेम्स हार्नर द्वारा संगीत बंद किया गया था आखिरी फिल्म थी जिसमें पाकुला को उनकी मृत्यु से पहले लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में दिखाया गया था फिल्म का निर्देशक एलन जे पाकुला है और फिल्म की पटकथा भी एल जे पाकुला है आधारित थी जॉन ग्रीशम द पोलिकन ब्रिफ सन उन्नीस सौ बानवे के उपन्यास पर उत्पादित किया गया था एल जे पाकुला पीटर जॉन बुगरे और ब्रैंड डी गिलक्रिस्टन ने फिल्म के अभिनेत्री जो थे जूलिया रॉबर्ट्स थे डैन जेल वॉशिंगटन सेम सेपर्ट्स जॉन हार्डस और टैनी गोल्डविन और जेम्स बी सिकिंग और विलियम्स ए एथर्टन रॉबर्ट्स क्लब स्टेनली टूकी हॉंग क्रोनिन और जॉन थीगो छायाखन था स्टीफन गोल्ड ब्लांट का संपादित किया टॉम रोल फॉर टोडी जहाज द्वारा संगीत है जेम्स होनर द्वारा वन वितरित किया गया वन नर्बरदस्त पिक्चर द्वारा इसको रिलीज किया गया था रिलीज की तारीख सत्रह दिसंबर सन उन्नीस सौ तिरानवे में इस फिल्म को रिलीज किया गया इसका कार्यक्रम एक सौ इकतालीस मिनट का देश है उत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी थी इस फिल्म का बजट पैंतालीस मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई की खतरनाक में देखा गया कि खामेल नाम के एक हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों और रोबेसबर्ग की हत्या कर दी तुलाने विश्वविद्यालय के कानून के छात्र डरबी शो ने अपने सिद्धांत का वितरण करते हुए कहा कि कानूनी संक्षिप्त जानकारी लिखी है कि उन्हें क्यों मारा गया वह अपने कानून के प्रोफेसर और प्रेमी थॉमस केलहन जो रो, रोनेसबर्ग के पूर्व कलर है जो संक्षिप्त जानकारी देती थी जो बदले में अपने अच्छे दोस्त गेविन वेरहिक जो एफबीआई के निदेशक के विशेष वकील है को एक प्रति देता है प्राप्त प्रति देता है इसके तुरंत बाद एक काम बम कार में बम के लहन की मौत हो गई डार्बी जिसने नशे में दूध के लहन के साथ सवारी करने से इनकार कर दिया था उसी भाग्य से बाल बाल बच गया यह यह महसूस करते हुए कि उसका वितरण स्टीक था और यह छिप जाती है और सहायता के लिए एक वेरहिक के पास पहुंचती है खुद को गार्सिया बताने वाला एक मुखबिर हथियारों के बारे में जानकारी के लिए वाशिंगटन हेराल्ड रिपोर्टर ग्राथाम्स से संपर्क करता है लेकिन गायब हो जाता है डार्बी ग्रांथम से ए भी संपर्क करता है जो उसकी जानकारी को सटीक मानता है डार्बी का कंप्यूटर डिस्क और फा उसके घर से गायब हो जाता है उस पर एक उस होटल में हमला हुआ जहां वह छिपी हुई थी वह सुरक्षित बच निकली लेकिन डरी हुई थी वह वैरहिक के संपर्क करती है उसने मिलने के लिए सहमत होती है लेकिन खमेल ही को मार देता है और बैठक में उसका रूप धारण कर लेता है इससे पहले कि खमेल डार्बी को मार सके एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी और मार डाला डार्बी न्यूयॉर्क शहर में था ग्राथम से मिलने के लिए सहमत हो जाती है और जहां वह अपने संक्षेप में व्यक्त सिद्धांत को साझा करती है हत्याए तेल व्यवसायी विक्टर मेटिस के लिए की गई थी जो लुसियाना लुश्या, मार्शलैंड के नीचे पाए जाने वाले तेल का एक दोहन करने का इरादा रखता है जो एक लुप्त पर्याय उप प्रजाति का विनाश स्थान और भूरे पेलिकन की मोटिस को ड्रिलिंग अधिकार से वंचित करने की अदालती अपील शुरुआती कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है डारमिनी अनुमान डारमिनी ने अनुमान लगाया कि मेटिस मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहा है न्यायाधीशों की हत्याओं के पीछे पर्यावरण की रक्षा को छोड़कर अधिकांश मामलों में इन दोनों न्यायाधीशों की राय अलग लगती राष्ट्रपति के लिए एक उदार योगदानकर्ता के रूप में मोटिस को उम्मीद है कि वे ऐसे न्यायाधीशों के की नियुक्ति करेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तेल और गैस के दोहन का पक्ष लेंगे जबकि अगला राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब ग्रंथम ने उसे गार्सिया के बारे में बताया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति का कार्टिस मार्गन है जो वाइट ए ब्लेजेविच की वाशिंगटन डीसी लाफोर में तेल और गैस डिवीजन में वकील है डार्बी मार्गन के साथ अपॉइंटमेंट लेने का बहाना करते हुए फार्म का दौरा करता है और उसे बताता है कि वह एक डकैती में मारा गया था यह संदेह करते हुए कि उसकी हत्या आपत्तिजनक जानकारी से संबंधित थी, थी वह और ग्रंथम उसकी विधवा से मिलने जाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी देती है डार्बी बॉक्स की सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक का दौरा करता है और कार में मध्य से मौत से बमुश्किल बमु, बमु, बचने के बाद वाशिंगटन हेराल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां वे मार्गन के बक्से से बरामद दस्तावेजों और एक वीडियो टैप की समीक्षा करते हैं और टैप डार्बी के सिद्धांत की पुष्टि करता है क्योंकि मार्गन के दस्तावेज स्थापित करते हैं कि मैटिस ने न्यायाधीशों की हत्या का आदेश दिया था इस साक्षा के साथ ग्रांथम अपनी कहानी लिखते हैं और उन्होंने एफबीआई को टिप्पणी करने का मौका दिया एफबीआई निदेशक वॉयलेस ने पुष्टि की कि डार्बी एक पोलिकन ब्रीफ ब्रीफ व्हाइट हाउस को सौंप दिया गया था उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ने एफ को पीछे हटने का आदेश दिया और सी आई मैटिस की जाँच कर रही है उसने उनमें से एक ने डार्बी की जान बचाने के एक खमेल की हत्या कर दी थी और एफ ने डार्बी के लिए जिस जिस विमान की व्यवस्था थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गवाह संरक्षक कार्यक्रम के तहत उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है कुछ समय बाद डार्बी ग्रंथम का एक टीवी साक्षात्कार देखता है जहां यह पता चलता है कि मैटिस और उसके चार सहयोगियों और वकीलों को दोषी ठहराया गया है राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ फ्लेचर कोल को इस्तीफा दे दिया गया और राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है ग्रंथम उन अटकलों को खारिज करता है जिनकी डार काल्पनिक और लेकिन वह इस बात से सहमत है कि वह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी और जिसमें डार्बी मुस्कुराता है ढालना में देखा गया कि डार्बी शो रूप के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स ने किरदार निभाया था गो के रूप में वाशिंगटन ने किरदार निभाया थॉमस केलहन के रूप में सेम सेपर्ड ने किरदार निभाया जॉन हार्ट गेविन वेरहिक के रूप में नजर आए और फ्लेचर कोल के रूप में टोनी गोल्डविन ने किरदार निभाया एफबीआई निर्देशक डेटन वर्ल्स के रूप में जेम्स सिकिंग ने किरदार निभाया मैथ्यू बार के रूप में जोन फिन ने किरदार निभाया बॉब गैमिनस्की के रूप में विलियम एथरटन ने किरदार निभाया राष्ट्रपति के रूप में रॉबर्ट्स क्लब ने किरदार निभाया और खमेल के रूप में स्टेनली टुक्की ने किरदार निभाया और जस्टि जस्टिस रोसेनबर्ग के रूप में